नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर के कैंट थाना अंतर्गत सदर चौपाटी इलाके में एक बदमाश द्वारा चाट का ठेला लगाने वाले दो भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया। सदर इलाके में हुई इस घटना की सूचना जब पुलिस को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया। इस घटना में घायल मयंक गुप्ता और राजेश गुप्ता को इलाज के लिए शासकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। बताया जाता है कि सदर चौपाटी में मयंक गुप्ता चाट का ठेला लगाता है। पिछले दिनों आरोपी मयंक गुप्ता के ठेले पर चाट खाने गया था। चाट खाने के बाद आरोपी और मयंक का थाने में रिपोर्ट लिखाए जाने को लेकर विवाद चल रहा था। इसके बाद विवाद इतना बड़ा कि आरोपी ने चाकू लेकर आया और दोनों भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया। हमले के बाद आरोपी भागने की फिराक था, जिसे समय रहते पकड़ लिया गया। हमले में मयंक और राजेश गुप्ता को चोटें आई हैं। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। जी सर, ये कहां का मामला था और क्या मामला था? ये सदर चौपाटी है, मयंक गुप्ता का चाट की दुकान है। वहाँ पे अभी चार दिन पहले उन्हीं लड़कों से वाद विवाद हुआ था, जिन पहले से भी इनके खिलाफ FIR दर्ज है। पुलिस ने तलाश किया था, ये फरार है घटना दिनांक से। और फिर उसी पुरानी बात को लेके उन्होंने बोला, तुमने हमें रिपोर्ट की है, तुमने हमारी रिपोर्ट क्यों की है? तो आज फिर आके उनने दो लड़कों ने, एक मोरियो करके नाम लड़का है जो अपराधी है, जिसके कई गंभीर अपराध हैं, यहाँ कैंट में भी हैं और भी गोरखपुर में और संबंधित थानों में भी हैं। आज उसने आके मुझसे बोला, मेरे को दारू पीने पैसा दे, पैसा न देने पर से उसको चाकू निकाल के दो भाइयों को मार दिया, मयंक गुप्ता और राकेश गुप्ता को। उन्हें चाकू से मारा तो पुलिस ने उन लोगों को घटनास्थल पर तुरंत जाके पुलिस ने विक्टोरिया अस्पताल रवाना किया गया। उनको EMRC करा के आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपी इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।